विजयनगर के वन के मध्य में ये मार्ग बनाने की अनुमति किसने दी आपको? आपके राज्य और हमारे राज्य बीच ये समझौता हुई है, इसमें आपके राज्य की मोहर भी है और हस्ताक्षर भी है। हस्ताक्षर हस्ताक्षर ये तो पंडित रामकृष्ण के हस्ताक्षर है। क्या बात कर रहे हैं गुरुवार आप, इसमें तो मेरे हस्ताक्षर है, किंतु ये संभव कैसे हो सकता है? यही प्रश्न तो हम सबको आपसे पूछना चाहिए पंडित रामकृष्ण, ये कैसे संभव है? पंडित रामकृष्ण, हस्ताक्षर आपके हैं तो आपने ही किए होंगे ना? हस्ताक्षर अवश्य मेरे हैं, किंतु किए मैंने नहीं है। आपके राज्य और हमारे राज्य बीच समझौता आज से 8 माह पूर्व पहले हुई थी। इसके बदले में आपके राज्य ने हमसे बहुत बड़ी धन मुद्रा भी ली थी। यदि हम आपकी बात मान भी लें, तब भी विजयनगर राज्य आपको इस मार्ग से आवाजाही की अनुमति नहीं देगा। हमारे राज्य ने आपके राज्य को बहुत बड़ी धन मुद्रा दी है, तो इसका मतलब ये भूमि हमारी हुई है। यहाँ विजयनगर के अधिकार नहीं है, हिमडोंग के अधिकार है। विजयनगर के कण कण पर केवल विजयनगर का अधिकार था, है और रहेगा। अगर आपका ये कहना है तो हमारी सेना भी युद्ध के लिए तैयार है। क्या? अरे आप लोग तो युद्ध तक पहुंच गए। देखिए छोटी सी भूमि का विषय है, शांति से हल कर लेंगे ना, और यदि उस भूमि पर आपका अधिकार सिद्ध हो गया तो ससहर्ष वो भूमि आपको दे दी जाएगी। क्यों महाराज? ये आप कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? आप जिन पर अभी अभी धन लेकर विजयनगर की भूमि का सौदा करने का दोषारोपण हुआ है, और आप हिमडोंग के राजा साहेब विजयनगर युद्ध से नहीं डरता, क्यों महामात्य? हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, किंतु एक सुई के बराबर भी विजयनगर की भूमि नहीं देंगे। अरे अरे आप लोग क्या कर रहे हैं महामाते? शांत हो जाइए, कृपया करके शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। युद्ध तो अंतिम विकल्प होता है महाराज चुआंशु, शीघ्र ही इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। महाराज इस विषय की जांच होनी चाहिए कि पंडित रामकृष्ण ने इनसे धन लिया या नहीं, क्योंकि इस पर हस्ताक्षर पंडित रामकृष्ण के ही। गुरुवर, सत्य कभी छिपता नहीं है और असत्य की कभी जीत नहीं होती। क्या सत्य है क्या असत्य है इसकी विवेचना अवश्य होगी, परंतु जब तक इस विवाद का निर्णय नहीं हो जाता तब तक महाराज शुभांशु अपने दल के साथ हमारे अतिथि होंगे। बहुत अच्छी सोच है, वाह उचित सोच है महाराजा। महाराज केवल 7 दिवस, पंडित रामकृष्ण मात्र 7 दिवस का समय है आपके पास, उसके पश्चात हमें अपने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर चाहिए और इस समस्या का निवारण भी। चोट लग जाएगी ना? चोट नहीं, खोट
खोट जा गई है आपके हृदय में पंडित रामकृष्ण, राजद्रोही है आप। हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये लो, अरे मुझे बाद में पकड़िएगा, पहले तलवार संभालिए। मार डालेंगे। अरे रामा, गुरुवर को तुझे मारना है तो मारे, मेरे प्राण लेने पे क्यों तूले है? अरे मैं क्या समझाऊं बंधु, मनुष्य बुढ़ापे में सठिया जाता है, जैसे ये सठिया गए हैं। सठियाया हुआ किसे कहा? स्वयं को कहो। किंतु गुरुवर, मैं देशद्रोही नहीं हूँ। देशद्रोही? हटिया अटक गई, फंस गई। क्या हुआ? अटक गई। मैं सहायता करूं? हाँ तो करो। छोड़िए, छोड़ दिया। अरे देख क्या रहे हैं, पकड़िए ना। ये लीजिए, और ये, अब तो आप मेरे प्राण ले ही लीजिए। रामा, यदि मुझे कुछ हुआ तो मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगा। अरे कहाँ चले गए? इधर इधर। देखिए, इस वार के साथ साथ मेरे हृदय में छुपा हुआ भेद भी चला जाएगा, बता रहा हूँ। कैसा भेद? वही भेद जो आपके विषय में मुझे मऊ ने बताया है। मऊ ने हमारे विषय में क्या बताया है? नहीं, पहले आप मेरे प्राण ले लीजिए। लीजिए, पहले आप मेरे प्राण ले ही लीजिए। बताइए, नहीं तो अवश्य मार डालेंगे। कहिए ना। अरे कैसे बताऊं, ऐसी बात कही है जिसे सुनकर मैं तो ईर्ष्या से जल भून गया हूँ। हाँ, कैसी बात कही है? अरे कहिए ना। पहले आप तलवार दीजिए, कहीं प्रसन्नता में सच में मेरे प्राण ले लेंगे तो। मऊ ने कहा कि आप। कि हम? मऊ ने कहा कि आप। कि हम? आप अपनी आयु से। हम अपनी आयु से और अधिक बुढ़े दिखते हैं, हैं? और आपको देखकर उसे अपने परदादा की याद आती है, समझे? अरे ये पंडित रामकृष्ण। अरे मनी, अंदर देख के तो आओ, मंदाकिनी देवी कर क्या रही है? वो बुढ़ा हुआ आएगा, पूछेगा तो हम उसको उत्तर क्या देंगे? बुढ़ों को पता चलेगा तब तो कि चौकीदारी के लिए जान लेकर हम यहाँ खेल रहे हैं। और नहीं तो क्या है, एक समय में दो दो नाव की सवारी करे वो बुढ़ऊ पाखंडी और पतवार चलाए हम दोनों। उस बुढ़े के डूबने में ही हमारी नाव पार लगेगी। पाखंडी बुढ़ऊ, चुप रहा तुम दोनों। अच्छा, हम ये बताओ, मंदाकिनी का है, सौदामिनी का है? गुरुजी, आप जो मंदाकिनी देवी है ना, वो मंदिर गई है। और आपकी सौदामिनी देवी भीतर? सच? ये पकड़ो। तुम दोनों हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। क्या? हम जा रहे हैं भीतर। हाँ। तुम दोनों यहीं रुको, यदि तुम्हें मंदू आती दिखाई दे तो तुरंत हाँ मिन्नी की भांति ध्वनि करके हमें संकेत देना। हम संकेत समझ जाएंगे और मंदू के भीतर आने से पूर्व हम बाहर भाग जाएंगे, समझे? समझे। अभी से आ गई? अच्छा, करो करो। हिमडोम के महाराज को हमारा अभिवादन। हम महाराज की छोटी महारानी हैं, इसीलिए आप लोगों के विजयनगर आने के उपलक्ष में हमने विजयनगर और हिमडोम के व्यंजनों का मिश्रण बनाया है। करेला चाउमीन और कोयला मनचाओ हलवा। पंडित रामकृष्णा ने कितना अच्छा सुझाव दिया है इन विदेशियों को अपनी पाक कला से प्रसन्न करने का, ताकि हमारे भोजन बनाने की प्रशंसा विदेशों में भी हो।
और क्या पता हमारे बनाए भोजन से प्रसन्न होकर ये विजयनगर की विवादित भूमि महाराज को वापस लौटा दे। हमारी सौदू क्या कर रही है? लेप बना रही हूँ। कैसा लेप बना रही हो? हम चिर युवान लेप जिसे मुख पे लगाने से युवान बना रहता है, झुर्रियां नहीं आती, मनुष्य सदैव युवा दिखाई देता है। क्या कह रही हो? हाँ, आप भी ये लेप लगा लो, 20 वर्ष पूर्व जैसी कांति आ जाएगी मुखमंडल पर। हाँ, 20 वर्ष में हमारी आयु तो बढ़ गई, परंतु आप वैसे की वैसी हैं। वो तो एक जड़ी बूटी का कमाल है। इस जड़ी बूटी के सेवन से कोई भी वृद्ध नहीं होता, और जिसकी आयु बढ़ गई हो उसकी भी घट जाती है। अर्थात ये वही जड़ी बूटी है जिसका सेवन पंडित रामकृष्ण करते हैं। इसका सेवन करके वो आज भी 20 वर्ष पूर्व जैसे युवा दिखाई देते हैं। हम भी इसका सेवन करेंगे। बात कहें आपसे? एक नहीं, दो बातें कहो। वो आपके जीवन में वो मंदाकिनी आ गई है ना? सौदा, कितने स्वप्न लेकर आए थे हम कि सदैव के लिए आप हमारा हाथ थाम लेंगे और हमसे विवाह कर लेंगे। अब इसे कैसे समझाएं कि यदि इसके साथ हमने शहनाई बजवाई तो मंदा हमारा ढोल बजा देगी। हाँ 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 साधु, हम भी तुमसे कब से विवाह करना चाहते हैं, किंतु नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भगवान शिव ने हमें स्वप्न में दर्शन दिए और हमें कहा, अच्छा, कि तुम्हारी कुंडली में ग्रह नक्षत्र इस प्रकार बैठे हैं कि यदि एक वर्ष के भीतर विवाह किया तो मृत्यु हो जाएगी। आपकी? आपकी। हमारी? हाँ। अच्छा सौदा, एक वर्ष के पश्चात हम विवाह कर लेंगे। परंतु एक वर्ष के पश्चात हमसे विवाह करेंगे ना? लगता है मंदाकिनी आ गई, भागना पड़ेगा। क्या हुआ? इन्हें भोजन पसंद नहीं आया? भोजन बहुत ही पसंद आए। हाँ, हमारे हिमडोंग में ऐसे ही प्रशंसा करते हैं। हमने तो कहा ही था हमारे हाथ का भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होता है। खाइए खाइए। क्या हुआ? आप लोगों के नेत्रों में अश्रु? भोजन बहुत अच्छा थी, इसीलिए प्रशंसा में हम रोती हैं। अच्छा, अब जब तक आप लोग विजयनगर में हैं, प्रतिदिन हम ऐसा ही भोजन बनाकर लाएंगे और आप लोगों को अपने सामने बैठा कर खिलाएंगे। अच्छा, अब आप लोग हमें आज्ञा दीजिए, आप लोगों के लिए रात्रि के स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था भी तो करनी है। शीघ्र से यहाँ से हिमलोक चले जाएंगे। इन लोगों को क्या पता कि हम यहाँ सिर्फ रेशम बेचने नहीं आए हैं, बल्कि धीरे धीरे पूरा दक्षिण को कब्जा करने आए हैं। बहुत ही जल्द पूरा दक्षिण हिंडोल का होगा। सौदा, हमें एक अति महत्वपूर्ण कार्य याद आ गया, हम चलते हैं। हम नहीं जाने देंगे, पहले हमें वचन दीजिए कि एक वर्ष पश्चात हमसे विवाह करेंगे ना? बिल्ली बोल रही है, जाने दो। बिल्ली? आपको बिल्ली की पड़ी है और आपके सामने बिजली खड़ी है। महारानी ने बिल्ली पाली है, उसका तिलक करना है। हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। हम नहीं जाने देंगे, जाने नहीं जाने देंगे।
रामा, यदि मैं कट जाता तो बिना शिखा के पंडित रामाकृष्ण का क्या सम्मान रह जाता? सम्मान पर आघात तो वैसे ही हुआ है बंधु। लोग मेरे विषय में क्या सोच रहे होंगे कि मैंने विजयनगर की भूमि का सौदा कर दिया, वो भी धन के लोभ में। अरे, अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर भी है मेरे। किंतु रामा, जब तूने हस्ताक्षर किए ही नहीं तो तेरे हस्ताक्षर उस पत्र पर आए कहाँ से? वही तो मैं सोच रहा हूँ, किंतु अब करूँ भी तो क्या करूँ। लगता है कोई आया है। ये अम्मा और शारदा भी घर पर नहीं है। अरे आप सब, बात क्या है? बताइए बात क्या है? पंडित रामकृष्ण, पहचाना मुझे? आपने मेरी सहायता ये धन देकर की थी, जो अब मैं आपको लौटा रहा हूं। हमें नहीं चाहिए ऐसा अनाज जो राज से छल से अर्जित किया गया हो। धन के लिए राज्य बेचने की क्या आवश्यकता थी? आपने हमसे कहा होता, हम अपने प्राण देकर भी आपके लिए धन अर्जित करते। ये लीजिए। आपने जो किया वो हम सोच भी नहीं सकते। अपने राज्य का एक हिस्सा बेच दिया आपने हिंदुओं को। नहीं चाहिए आपका धन, नहीं चाहिए। आप सभी को सच में लगता है कि मैं अपने राज्य के साथ विश्वासघात कर सकता हूँ? बाबा, मेरे नेत्रों में देखिए, क्या आपको इनमें अपने राज्य के प्रति प्रेम के स्थान पर धन का लोभ दिखाई देता है? विश्वास तो मेरा हृदय भी नहीं करता, किंतु उस ताम्र पत्र पे आपके ही ना हस्ताक्षर है ना। सत्य तो उजागर होकर रहेगा, और जब ये सिद्ध हो जाए कि अपराधी मैं ही हूं, तब फेंक दीजिएगा ये धन, किंतु तब तक इन्हें संभाल कर रखिए और मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखिए। पंडित रामकृष्णा की जय हो। महाराज ने आपको शीघ्र ही बुलाया है। पंडित रामकृष्ण, एक बार मैं विश्वास पर अविश्वास कर सकता हूं, किंतु आप पर नहीं। एक बार मैं निश्चित को संदेह की दृष्टि से देख सकता हूं, किंतु आपको नहीं। जिन महाराज के मुख से मैंने स्वयं के लिए ऐसे वचन सुने हो, उन्हीं महाराज के मुख से ये प्रश्न सुनना कि पंडित रामकृष्ण, क्या आपने देशद्रोह किया है? इससे तो उचित होगा कि आप स्वयं अपने हाथों से मेरे प्राण ले ले महाराज। कोई और मेरी भक्ति पर संदेह करे मुझे स्वीकार होगा, किंतु मेरे ईश्वर, मेरे भगवान स्वयं मेरी भक्ति पर संदेह करेंगे तो ये तो मेरे लिए मृत्यु से भी कष्टकर होगा ना महाराज। पंडित रामकृष्ण, विजयनगर के प्रति आपकी भक्ति को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जितना विश्वास हमें इस तथ्य पर है कि सूर्य पूर्व से उदय होकर पश्चिम में अस्त होता है, उतना ही विश्वास इस तथ्य पर भी है कि हमारे परम प्रिय मित्र पंडित रामकृष्ण कभी भी विजयनगर के साथ द्रोह नहीं कर सकते। विजयनगर को आपकी आवश्यकता है पंडित रामकृष्ण, किंतु आपके पास मात्र 7 दिवस का समय है। अब आपने सोचा क्या है?